अगर आप बिहार के पंचायती राज विभाग में एक संविदा कर्मी हैं तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, अभी लेटर हाल ही में जारी हुआ है एक या दो दिन पहले, कि अब जो पंचायती राज के संविदा कर्मी हैं, चाहे वह कार्यपालक सहायक हो, चाहे वह डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, या फिर वह आपका अकाउंटेंट हो, या फिर जो भी पोस्ट हो आपका, अगर अगर आप पंचायती राज में हैं, तो आपके लिए एक गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाया है एचआरएमएस का। एचआरएमएस आप जानते होंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, आप जानते होंगे इसके बारे में। नहीं जानते तो जान लीजिए, इस सिस्टम के अनुसार अब सरकार का यह दावा है कि आपका पेमेंट जो है वह मंथली वाइज होगा, यानी कि अब आपका पेमेंट जो है, सैलरी जो है, वह एक दिन भी अब लेट नहीं होगा, आपके खाते में समय पर अब सैलरी आ जाएगा। इसके लिए सरकार तत्पर है कि संविदा कर्मियों को कम से कम कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि संविदा कर्मी का पेमेंट देखा जाता है कि हर बार लेट से मिलता है। तो इसलिए यह वेबसाइट बनाया गया है, इसलिए यह एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है, और इस एप्लीकेशन पर आपको अपना दैनिक अटेंडेंस भी बनाना होगा, यानी कि आपको अपना दैनिक उपस्थिति भी दर्ज करना होगा। और यह उपस्थिति दर्ज करने के लिए आपको अपने कार्यालय पर जाना होगा, क्योंकि यह एप्लीकेशन जो है वह आपके कार्यालय के जीपीएस से टैग रहेगा। अगर आप चाहेंगे कि आप कहीं और बैठकर और अपना अटेंडेंस बना दें, तो वो आप अटेंडेंस नहीं बना पाएगा, क्योंकि जब अपने आप कार्यालय पर रहिएगा तो उसी के जीपीएस लोकेशन ट्रैक करके और अपना एचआरएमएस पर अपना जो है वो अटेंडेंस बना पाइएगा, और उसी अटेंडेंस के बिहाफ पर आपका पेमेंट अब जारी होगा। यह सरकार ने साफ तौर पर कहा है। सरकार ने यह कहा है कि 1 जनवरी से ही आपका एचआरएमएस के थ्रू आपका पेमेंट चालू हो जाएगा, यानी कि जनवरी माह से ही। तो अब देखा जाएगा यही कि जनवरी माह का पेमेंट आपका समय पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर केवल यह सरकार का एक चौचलेबाजी है। अब सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि जो अटेंडेंस बनाने का जो नियम लगाया गया है कि आपको अब अपने कार्यालय पर जाना होगा, जो भी आपका पंचायत कार्यालय है, चाहे आपका वो पंचायत भवन हो या फिर सरकारी पंचायत भवन हो या फिर मुखिया जी का डेरा हो, जहां भी आपका कार्यालय चलता हो, आप वहां पर जाएंगे और वहीं से अपना जीपीएस के थ्रू अपना पेमेंट बना, अपना जो अटेंडेंस है वह एचआरएमएस एप्लीकेशन जो है उससे आप बनाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह नियम क्यों नहीं लागू है, क्यों आखिर संविदा कर्मी पर ही यह नियम लागू होता है। संविदा कर्मी को मंथली तनख्वाह देने के नाम पर जो एक नया आडंबर अपनाया जा रहा है, उनको सताने के लिए जो एक नया फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, यह कहां तक न्याय उचित है। सताने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जानते हैं कि जब सरकारी जो भी कर्मचारी हैं उनका अगर पेमेंट बिना ऑनलाइन जीपीएस टैग लोकेशन किए अगर आ सकता है पेमेंट समय पर, तो फिर संविदा कर्मियों के लिए यह एप्लीकेशन क्यों बनाया गया, क्यों उनको ऐसा कहा जा रहा है कि आप कार्यालय पर जाकर और अपना जीपीएस लोकेशन टैग करके और तब आप अपना अटेंडेंस बनाइए और तब आपका पेमेंट मिलेगा, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अब इससे घाटा क्या है आप जरा ये भी जान लीजिए। अब आप जानते हैं कि बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं, कार्यपालक सहायक के, ऑपरेटर के, या फिर जो भी अकाउंटेंट है, ब्लॉक से 10, 12, 15 किलोमीटर के दूरी पर हैं। दूसरी बात कि आप अगर टेम्पो ऑटो से जाते हैं तो आपका जो पंचायत कार्यालय है उससे 2-3 किलोमीटर पहले ही आपको उतार दिया जाता है, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा आपके पंचायत कार्यालय पर, अभी जहां भी आपका कार्यालय है। ऐसे में आप डेली जाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या वहां आएगी, आप जानते हैं कि आपके बिना किसी भी सरकारी विभाग का काम खत्म होने वाला नहीं है, आपकी प्रतिनियुक्ति हरदम होते रहती है, खासतौर पर कार्यपालक सहायक और ऑपरेटरों का। तो अब समस्या वहां पर आएगी कि अब आपके अधिकारीगण द्वारा आपको आदेश दिया जाएगा कि आप जाइए अपने कार्यालय पर, वहां से जियो लोकेशन, जो भी आपका लोकेशन टैग होगा, उसे आप अपना अटेंडेंस बनाइए, और अटेंडेंस बनाने के बाद आप फिर से आ जाइए ब्लॉक पर या फिर से आ जाइए जिला में, और फिर आकर वहां पे आप काम कीजिए, और फिर वहां से आप 5 बजे छुट्टिएगा तो फिर आपको जाना पड़ेगा अपने कार्यालय पर और वहां पर फिर आपको अपना अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। अब आप सोच कर देखिए, ये तो होगा ही, पक्का है, आपको ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाए कि जाइए आप अपने पंचायत में रहिए वहां पे अपना काम कीजिए, नहीं होगा ऐसा। अगर ऐसा होना होता तो सरकार को सबसे पहले एक लेटर निकालना होता सारे विभागों में कि जो भी कार्यपालक सहायक ऑपरेटर का प्रतिनियुक्ति किया जाता है अन्य कार्यालयों में, वो बंद कर दिया जाए, 100% उस पर रोक लगा दी जाए, उनका प्रतिनियुक्ति न किया जाए। तो हम खुश होते कि चलो हमको एक कार्यालय पर बैठकर काम करना है, अपना हम लोग लोकेशन से अपना हम अटेंडेंस बना देंगे। लेकिन आप देख लीजिएगा कि आपके लिए एक आएगा आदेश कि आप जाइए, आप अपना अटेंडेंस बनाइए
और अटेंडेंस बनाकर आप आ जाइए ब्लॉक में या फिर आ जाइए जिला में, और यहाँ आप दिन भर काम कीजिए, आपका प्रतिनियुक्ति किया जाता है, और फिर आप वहां से भागे भागे आइएगा अपने पंचायत कार्यालय में और फिर वहां पे अपना आप अटेंडेंस बनाइएगा। आपका तनख्वाह तो 50,000 60,000 है नहीं कि आप 50 रुपए उधर लगाइएगा अपने पंचायत कार्यालय जाने के लिए और फिर वहां से फिर जाइएगा 50 रुपए लगाकर ब्लॉक में और फिर वहां से 50 रुपए लगाकर फिर जाइएगा अपने पंचायत कार्यालय में। तो ये जो सताने का जो एक नया फॉर्मूला अपनाया गया है, पेमेंट बढ़ाने के नाम पर आपका थोड़ा सा पेमेंट बढ़ा दे गया आप जानते हैं, तो उस पेमेंट को कैसे खींच लिया जाए आपसे, यह सरकार का एक नया चोचलाबाजी है। कहने का मतलब यही है कि आपको खुश रहते हुए सरकार कभी देख नहीं सकती है कि आप खुश रहें। आपका पद ही ऐसा है कि आप गधे जैसा काम करते रहिए, आप बजाते रहिए घंटी जो भी है दूसरे की, अपना आप भविष्य और अपने जीवन से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका पद ही इसलिए है कि आप दौड़ भाग करते रहिए और आप अपना जीवन यापन करते रहिए। और एक बात है कि कार्यपालक ऑपरेटर या फिर जो भी है उनको कार्यालय जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? हो सकता है कि आपको एक नया काम मिल जाए कि आप जाइए अपने पंचायत भवन में या फिर अपने जो भी कार्यालय है वहां पर आप झाड़ू लगाइए, यही ना है? आखिर कार्यपालक सहायक ऑपरेटर का काम क्या है? अभी जन्म मृत्यु का काम उनसे ले लिया गया है, जो भी आपका जीवन प्रमाणीकरण होता है वो ब्लॉक स्तर से बंद है, भी उसका काम आप कर नहीं सकते हैं। आरटीपीएस का आईडी पासवर्ड आपको मिला नहीं है कि आप जन्म जो भी आपका जाति आवासीय आय अलग से आप बना सकें। तो आखिर आपका काम क्या है? आपको बस इसलिए कार्यालय भेजा जा रहा है ताकि आप वहां पर जाकर पंचायत भवन या जो भी आपका कार्यालय है वहां पर आप झाड़ू लगाइए और दिनचर्या वहां पर कीजिए, वहां पर साफ सुथरा कीजिए, साफ सफाई रखिए, और कुछ काम नहीं है। तो बस आप यही सोच लीजिए कि सरकार जो है नया नियम ला रही है कि आपको रोज जाना पड़ेगा कार्यालय में, अटेंडेंस बनाना होगा जीपीएस लोकेशन के, यह बस आपको एक सताने का नया तरीका है। आपका जो इंक्रीमेंट किया गया है पैसे का, बस उसको कैसे वापस खींच लिया जाए, वो आपके काम में ना आए, बस सरकार यही चाहती है और कुछ नहीं। चलिए देखा जाएगा भविष्य में क्या होता है। सरकार अगर ऐसे नियम निकाल रही है तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि सबसे पहले वो सरकारी तंत्र में जो काम कर रहे हैं सबसे ऊपरी स्तर पे, उन पे सबसे पहले शिकंजा कसा जाए कि जो भी हमारा प्रतिनियुक्ति होता है उस पर रोक लगाया जाए। प्रतिनियुक्ति पर जब तक रोक नहीं लगेगा तब तक हम सक्षम नहीं है कि हम रोज जाकर और पंचायत में अपना और पंचायत कार्यालय पर जाकर अपना हम अटेंडेंस बना सके और हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। चलिए भविष्य की शानदार कामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।